देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं धार्मिक नगरी उज्जैन में पुलिस का अलग ही अंदाज देखने को मिला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माधव नगर थाने में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई, साथ ही देशभक्ति गीतों पर पुलिसकर्मी ने जमकर डांस किया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर उज्जैन के माधव नगर थाने का अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर थाने को आकर्षक विद्युत सज्जा की गई, साथ ही देर शाम को थाने का समस्त पुलिस स्टाफ एकत्रित हुआ और एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं देशभक्ति गीतों पर इस दौरान थाना प्रभारी मनीष लोधा, SI राहुल कामले, PS रावत, SI लक्ष्मीकांत गौतम, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी, ललित कुमार सहित थाने में पदस्थ महिला पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। जैसा कि मालूम है कि भारत जो है त्योहारों का देश है, धार्मिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, तो धार्मिक त्यौहारों में पुलिस जो है पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता अपने परिवार के साथ में। तो ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त, इसमें पुलिस आर्मी अर्धसैनिक बल जो है वो उनका त्यौहार विशेष रूप से माना जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में माधव नगर थाने में एक छोटा आयोजन रखा गया है जिसमें सभी राष्ट्रीय त्यौहार को अच्छे से मना सकें। गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या पर आज नृत्य भी किया है, पूरे स्टाफ ने मिलकर आपने भी जश्न मनाया है। बस यही एक चीज़ है जो अलग करती है आम पब्लिक से, पुलिस या पैरामिलिट्री या आर्मी को। तो ये राष्ट्रीय त्यौहार है, हम भी इसको अच्छे से मनाएं, इसलिए सबके लिए आयोजन रखा गया है। इसकी पूरी संध्या पर आपने डांस किया है रंगारंग गानों पर, किस प्रकार आपकी जुनून आया है? जो 26 जनवरी है और 15 अगस्त है, यही हम लोगों के त्यौहार होते हैं, बाकी तो हम मना नहीं पाते घर पे, और इसी वजह से हम लोग पुलिस परिवार के साथ में हम लोगों ने सभी ने यहाँ पे सब प्रोग्राम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिला आरक्षक प्रतिभा जेठू। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।